डू यू नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट? स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छे से टाइम को मैनेज करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो केवल ये बोलने की बजाय कि पढ़ाई करो, उनको अच्छे से टाइम को मैनेज करना भी सिखाया जाना चाहिए। ये स्किल जीवन भर किसी भी काम में, बिजनेस में या फिर जॉब में काम आएगी। टाइम की वैल्यू पैसे से बढ़कर है। एक बिलियनियर इंसान जो 75 ईयर ओल्ड है, उससे अगर कहा जाए कि आपको अपनी सारी संपत्ति यानी कि बिलियन डॉलर्स देने होंगे, बदले में आपको फिर से 30 ईयर्स ओल्ड कर देंगे, तो वो शायद ही मना करेगा। एक इंसान जिसके पास अपार धन है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो भी अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हो जाएगा टाइम को फिर से खरीदने के लिए। तो टाइम इतना महंगा है जिसे कोई नहीं खरीद सकता, और आपको पैसों से ज़्यादा वैल्यू टाइम को ही देनी चाहिए। देखो, टाइम सेविंग के काफ़ी टूल्स और हैक्स होते हैं जो मैंने गूगल पर सर्च करके और यूट्यूब से सीखे, तो आपको भी ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट पर आर्टिकल रीडिंग करनी चाहिए। आपको प्रोडक्टिविटी की कैटेगरी में रीडिंग करनी चाहिए। मेरी भी सबसे ज़्यादा रीडिंग इसी कैटेगरी में होती है, कैसे कम टाइम में ज़्यादा काम करें। आप अपने आप से चैलेंज लो कि मैं इस काम को पहली बार इतने ही वक्त में कर दिखाऊंगा। आप लिमिट क्रॉस करने के बारे में सोचो। जो भी काम आप करते हो, जो भी क्वालिटी का काम आप कर सकते हो, आप ट्राई करो कि उसी क्वालिटी के काम को और कम टाइम में पूरा करने का ट्राई करो। उस इंसान को कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन कर देता है, यानी कि क्वालिटी भी दे रहा है और साथ में स्पीड से भी चीज़ें कर रहा है। आपने स्टीव जॉब्स की वो बात सुनी ही होगी, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। पर अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करो, उस टाइम को सेव करो, अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पीड से कोई काम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, तब आप क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी भी दे सकते हो। अगर आप ध्यान से कोई भी बिजनेस मॉडल देखोगे तो आपको तीन चीज़ें नज़र आएगी। फर्स्ट, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर काम करते हैं। सेकंड, वो केवल क्वांटिटी पर काम करते हैं, तो सस्ता और बेकार क्वालिटी में जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ कर देते हैं। और थर्ड, वो जो क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी भी देते हैं। इसको मैं अगर बॉलीवुड के एग्जांपल से समझाऊं तो सिर्फ क्वालिटी पर काम करने वाले आमिर खान हो गए, और क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी पर काम करने वाले अक्षय कुमार हो गए। और ऐसे ही छोटे मोटे कितने ही एक्टर आपको पता होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर ही ध्यान देते हैं। सो गाइस, कोई भी इंसान क्वालिटी के साथ क्वांटिटी तभी दे पाएगा जब उसके पास में वक्त होगा, जब उसे अच्छे से टाइम मैनेज करना आता होगा। वैसे तो टाइम को सही से मैनेज करने के काफ़ी सारे सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पर जो आप खुद अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, जो आप खुद अपनी लाइफ के रूल्स बना सकते हो, वो आपके लिए और कोई नहीं कर सकता।